हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था, 25 जून का इतिहास क्यों है इतना खास। तो 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। उसके बाद आपको याद होगा जस्टिस जगन मोहन लाल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे, उन्होंने इन्हें गिल्टी भी ठहराया था इमरजेंसी पावर का मिसयूज करना। ठीक है, तो इन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में ड्रैग किया और फिर काफ़ी बातें होती हैं, आज भी इस पर बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, हमारे देश में जो इमरजेंसी होती है वो 3 आर्टिकल्स के तहत आती है। ठीक है, केंद्रीय, राष्ट्रपति और वित्त। ओके, तो ये मैं हर बार कहती हूँ कि ये 3 आपको याद रहनी चाहिए, केंद्रीय, राष्ट्रपति, वित्त। वित्त आज तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है, बात हो रही थी कि लगेगा लेकिन इवेंचुअली इसको लगाया नहीं गया था। ठीक है, चलो अब आप लोग जरा आर्टिकल्स बताना ये कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर आते हैं। अगला देखिएगा, 2005 ईरान के राष्ट्रपति चुनावों में अति कट्टरपंथी माने जाने वाले महमूद अहमदी निजात की जीत की घोषणा भी 25 जून को ही हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ फिर भी है। इसके अलावा 2009 में माइकल जैक्सन, जिन्होंने माइकल जैक्सन का आपको याद होगा मून वॉक इनका बहुत ज़्यादा मशहूर था, कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो केवल यही कर पाते थे, तो आज ही के दिन जो है इनकी जो, ठीक है ध्यान रखिएगा, कब, 2009 में आज ही के दिन। ओके, इनके पास तमाम तरीके के रिकॉर्ड्स हैं। ओके, और इनकी डेथ के ऊपर भी बड़ी बातें होती थी, बड़ी मिस्ट्री टाइप की दिखती थी। खैर, 1950 को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसने आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय शीत युद्ध का रूप ले लिया था। आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में ऐसी नहीं है, बहुत दोस्ती है। ठीक है, उनकी बातें आज भी चलती रहती हैं, हालांकि ये हमारे एग्जाम्स में अब नहीं पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें। जैसे ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जो है पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी इंडिया उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 1904 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी भारत में, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।